तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है। जैसा कि आप जानते हैं नया साल आने वाला है 2021 और 2020 फाइनली जाने वाला है, और 2020 में जिन्होंने जी तोड़ के हम सबको साथ दिया और जिन्होंने बहुत मदद की वो हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पूरा स्टाफ, जिनके कारण कई सारे लोग ठीक भी हो पाए हैं और कई सारे लोगों को तसल्ली भी मिली है। और इस वक्त हमारे साथ बॉम्बे हॉस्पिटल के डायरेक्टर साहब डॉक्टर पाटिल सर है। सो वेलकम, एंड सबसे पहले तो आज तक और बॉम्बे हॉस्पिटल का ये जो इनिशिएटिव है उसके लिए आप क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच। बॉम्बे हॉस्पिटल हमेशा अपने फॉर एक्सेलेंस एंड फॉर चैरिटी ऑलवेज इन द फोरफ्रंट, और हमारे वर्कर्स जो है, हमारे जो टीम ऑफ डॉक्टर्स है, हमारे सब नर्सेस है, हमारे स्टूडेंट नर्सेस है, सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से काम किया है। और पूरा हमने 3 बिल्डिंग्स में से एक बिल्डिंग हमने कोविड के लिए हमने डेडिकेट कर दिया था, और अच्छी सेवाएं दी है लोगों को, काफ़ी जाने बचाई है इस कोविड इसमें, और दिन रात काम किया है हमारे। यहाँ तक कि कुछ वार्ड्स में तो हमारे डॉक्टर्स ने जहाँ पे यानी दिन रात ड्यूटीज़ दी है, तो वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे यानी केसेस जो बोलते हैं ना, लाइफ सेव की हुई है। एक ही काम था कि भाई जो भी आए पेशेंट उनकी जान बचाना, यही हमारा ध्येय था। और फिर बॉम्बे हॉस्पिटल का सबसे बड़ा ये है, हमारे चेयरमैन साहब जिनकी ब्लेसिंग्स है हमारे सबके ऊपर, जो श्री भरत कुमार तापड़िया जी, जिन्होंने कहा कि ये जो चैरिटी के लिए यानी काम किए जाओ, गवर्नमेंट ने हालांकि 80-20 रखा था, 80% यानी रेट्स कंट्रोल किए थे और 20% जो है उन्होंने प्रीमियम चार्जेस करने के लिए कहा था, लेकिन बॉम्बे हॉस्पिटल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने यानी गवर्नमेंट रेट्स के ऊपर सभी को 100% यानी सेवाएं दी है इस कोविड पीरियड के टाइम पे। तो ये एक बहुत बड़ा यानी ये किया हुआ है हमने, लक्ष्य यानी दिया है ताकि गरीब और सभी लोग यानी इस ये सुविधा का आनंद ले सके। वाह सर, और साथ ही में डॉक्टर्स की बात करें तो दे डिड अमेजिंग जॉब, और उसके कारण ही लाइक एक तरह से आज तक भी ट्रिब्यूट दे रहा है आप सबको, एंड थैंक यू कहना चाहता है एंटरटेनमेंट के साथ, क्योंकि हर किसी की लाइफ में एंटरटेनमेंट का तड़का लगना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज की शाम की क्या क्या उम्मीदें हैं और कितना एंजॉयमेंट होने वाला है? ऑफकोर्स इन्होंने दिन रात मेहनत की है पिछले लगातार यानी अप्रैल महीने से अभी तक करते आ रहे हैं, और आगे भी कितने दिन होगा ये पता नहीं है, तो इसलिए इनको सबको एक थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था। एंड बहुत सारी उम्मीदें है सब आर्टिस्ट के, एंड वी वुड लाइक टू थैंक आज तक ऑल्सो फॉर दिस काइंड गेस्चर ऑफ आज तक, कि बहुत आप लोगों ने ये काइंड थॉट्स किए हैं और हमारे लिए ये बोलते हैं ना ऊर्जा का काम करेगा, और आगे और भी हम मेहनत के साथ और काम करेंगे। तो थोड़ी सी एनर्जी यहाँ पे बूस्ट करने वाले आप लोग सबको मेरे साथ गाना गाना होगा। The song is जिंदगी एक सफर है सुहाना, ठीक है? So let's have it together, क्योंकि ये एक जिंदगी है जो बहुत ही सुहानी सी है, so we have to enjoy each and every moment. तो shall we have the song, sir? Yes sir. 1, 2, 3. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या हो किसने जाना। थैंक यू सो मच। सो बॉम्बे हॉस्पिटल के HRD डायरेक्टर मिस्टर रमेश सर हमारे साथ है। सबसे पहले तो आज तक में आपका स्वागत है सर, एंड आज का इवेंट जो है उससे क्या क्या उम्मीदें हैं एंड कितना खास है आज का दिन? आज का दिन ये हमारे बॉम्बे हॉस्पिटल के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हम लोगों ने ये COVID-19 के इस पैंडमिक में बहुत अच्छा काम किया है। हमारे यहाँ पे ICU और जनरल और बाकी वार्ड मिला के 80 बेड है, और बहुत अच्छे लोगों को यहाँ पे एडमिट होने के बाद में उनको ट्रीट करके खुशी खुशी घर भेजा है। सो आज का दिन हमको ये बहुत महत्व का है, और आज भी हम इस पैंडमिक में पूरी सर्विस दे रहे हैं, और हर कोई आता है उनकी देख रेख, हमारे हेल्थ वर्कर, वार्ड बॉय, नर्सेस, डॉक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ,
सब अच्छी तरीके से उनका ख्याल रखते हैं और उनको अच्छा करके घर भेजते हैं। सो आज का दिन हमारे लिए ये महत्व का दिन है सर, इसीलिए तो आज तक ने डिसाइड किया है कि आप सबको हम एक ट्रिब्यूट दें और थैंक यू कहें अपनी साइड से कि आप लोगों ने जिस तरह से पेंडेमिक में बिना खुद का सोचे हर किसी के लिए काम किया है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो पूरा हॉस्पिटल स्टाफ हो, आप लोग सब तत्पर रहे हैं। सो आज एक एंटरटेनमेंट की शाम होने वाली है क्योंकि ये पूरा पेंडेमिक हर किसी के लिए ईजी नहीं था, बहुत सारा स्ट्रेस भी था, रातों भर आप लोग ने काम किया है। हाँ, तो ये जो एंटरटेनमेंट है इसका ये बॉम्बे हॉस्पिटल डिजर्व करता है ये स्टाफ, क्योंकि जो हमने काम किया है उसके बाद में जो एक अपन बोलते हैं ना थकावट, वो थकावट निकालने के लिए ये एक बहुत अच्छी खुशी का एक ये माहौल जो है ये और भी हमको आगे मोटिवेट करेगा काम करने के लिए। और पेंडेमिक में ही नहीं, बॉम्बे हॉस्पिटल ये हमारा कई फील्ड में काम करता है। ये जैसे बोलते हैं अपन ना कि वन विंडो में सब कुछ आपको मिलता है, वैसे ये वन रूफ के अंडर हमारे यहाँ पे हर चीज़ की ट्रीटमेंट होती है। और साल में लगभग 20,000 से ज़्यादा हमारे यहाँ पे पेशेंट एडमिट होते हैं और साल में कम से कम 12,000 से 14,000 सर्जरी होती है और सब लोग हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे करके भेजते हैं। और इसीलिए ये एक आज 65 साल हो गए हैं तो भी अपने पाँव पे वैसे के वैसे खड़ा है ये हॉस्पिटल। साथ ही में हम बात करें तो हमेशा डॉक्टर्स की इमेज कैसी होती है, आप जाते हैं क्लिनिक में, वो आपका चेकअप करते हैं, आपको दवाइयाँ लिखते हैं, दैट इज़ द बेसिक डॉक्टर्स। लेकिन आज डॉक्टर्स के कुछ अलग रूप भी दिखने वाले हैं क्योंकि डॉक्टर्स भी परफॉर्म करने वाले हैं। इस हॉस्पिटल के जो अपन बोलते हैं ना कि स्पाइनल कॉर्ड, वो डॉक्टर्स हैं। इस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है वो उनका ऐसा नामांकित डॉक्टर है कि उनके नाम के ऊपर और हॉस्पिटल के नाम के ऊपर यहाँ वो आते हैं और वो पूरे मेहनत से अपने पेशेंट को अच्छा करके भेजते हैं। और वैसे ही जैसे आज ये कल्चरल प्रोग्राम जो रखा है इसमें वो आपको उनका दूसरा रूप भी दिखेगा। अरे वाह, तो आज की शाम काफ़ी खास होने वाली है। और साथ ही में एक मैसेज दे दीजिए सर कि मास्क कितना इम्पोर्टेंट है इस पेंडेमिक में। जैसे बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बार बार बता रहे हैं और हम भी जो हॉस्पिटल में जो हेल्थ वर्कर काम कर रहे हैं, हमारा मैसेज यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, ये इट इज़ अ मस्ट। और ये आपको वैक्सीनेशन आने के बाद भी चालू रखना है, ये आपको भूलना नहीं है कि वैक्सीनेशन हो गया तो ये चले जाएगा, नहीं, ये आपको, ये आपकी पूरी सेफ्टी करता है। तो मास्क पहने रहो और घर से कम निकलो, ज़रूरी है तो ही निकलो, नहीं तो घर में ही रहो अपना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। तो आपको डॉक्टर साहब की एडवाइस मिल चुकी है ना, तो अपने नए साल को इंटरेस्टिंग बनाना है और तो कृपया मास्क और सैनिटाइजर अपने पास रखें। थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द व्यूअर्स।